हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एलडीसी के बारे में। एलडीसी लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जो रेगुलर रेलवे कर्मचारियों के लिए आयोजित किया जाता है। बेसिकली रेलवे में जो आज कैंडिडेट्स आ रहे हैं वो काफ़ी मेरिटोरियस है, यंग है, डायनेमिक है और उनकी क्वालिफिकेशंस काफ़ी अच्छी है। तो ऐसे लोगों को सरकार ने नौकरी में तुरंत प्रमोशन देने के लिए, इमीडिएट प्रमोशंस देने के लिए ये प्रावधान किया है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस। लिमिटेड ये एक तरीका है जिसके माध्यम से हमारे रेल कर्मचारी ऊंचे ओहदे को लोअर पोस्ट से ऊंचे पोस्ट पे जाते हैं। यह ग्रुप डी से ग्रुप सी में जाने के लिए होता है। ग्रुप सी से ही डिफरेंट लेवल में, जैसे आप लेवल टू में हैं तो लेवल 4, 3, 6 इनमें जाने के लिए आप एलडीसी का उपयोग कर सकते हैं, उसके माध्यम से आप जा सकते हैं। इसी तरह से जो कर्मचारी जीडीसी में भी जाना चाहते हैं वो भी सिर्फ रेगुलर कर्मचारी होने पे ही जीडीसी में भी जा सकते हैं। तो आज हमारा फोकस रहेगा एलडीसी। तो वैसे कर्मचारी जो ग्रुप डी में भी आए हों उनको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है, वो अगर मेरिट रखते हैं और अपने क्वालिफिकेशंस को बढ़ा लेते हैं तो उनको आगे भविष्य में काफी संभावनाएं हैं रेल में प्रमोशंस के। तो चलिए मैं बताता हूँ कि एलडीसी क्या है, कौन लोग इसके लिए एलिजिबल होते हैं और क्वालिफिकेशंस क्या होती है, इनकी एज क्या है, मेडिकल कैटेगरिया क्या होता है, एग्जाम किस तरह के होते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले इसमें एलडीसी का मतलब क्या है। एलडीसी का मतलब है लिमिटेड। लिमिटेड का मतलब है कि जब कोई चीज सीमित होता है तो उसे हम लिमिटेड बोलते हैं, अर्थात इसका कहने का मतलब है कि लिमिटेड इसमें जो अपॉर्चुनिटी दी जाती है वो कुछ लिमिटेड कैटेगरी को दी जाती है। सपोज अगर एएसएम का सिलेक्शन है आपके लिए तो एएसएम के सिलेक्शंस में नाउ एएसएम का नाम अपग्रेड करके इसको स्टेशन मास्टर कर दिया गया है ग्रेड पे 4200, तो इसके लिए जरूरत है कि ट्रैफिक और कॉमर्शियल इस दो डिपार्टमेंट के ही कर्मचारी को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी इसके एग्जाम को बैठने के लिए। जबकि जीडीसी में क्या होता है कि कोई भी कर्मचारी, रेलवे का कोई भी कर्मचारी जो है वो एग्जाम में बैठ सकता है, सिर्फ जो रेगुलर कर्मचारी है वो। तो इसलिए इसका नाम लिमिटेड रखा गया है क्योंकि इनके जो फीडर कैटेगरी होती है जिससे लोग अप्लाई करते हैं वो लिमिटेड होता है, इसलिए इसका नाम लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन रखा गया है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अगर आप मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में देखते हैं तो क्लर्क के लिए 1900 जीपी में कोटा जो है वो है एलडीसी का, ठीक है। वैसे ही ओएस में 4200 जीपी में 20% कोटा है आपका एलडीसी का, वैसे ही डब्ल्यूएलआई जो वेलफेयर इंस्पेक्टर्स होते हैं उसके लिए 4200 में 35% कोटा है। कहने का मतलब अगर 100 सीट्स हैं तो उसमें से 100 में से 35 सीट किसके लिए जाएगा, 35 सीट चला जाएगा एलडीसी एग्जामिनेशन से। अर्थात किसी भी डिवीजन में अगर 100 सीट्स हैं तो 35 सीट में एलडीसी एग्जामिनेशन से होगा, जिसके लिए हर डिपार्टमेंट का वह बंदा जो ग्रेजुएट है और जिसके डिजायरेबल जो एलएलबी की डिग्री है या एमबीए किए हुए हैं, जिसमें कि पर्सनल उसके पास लेबर लॉ या पर्सनल लॉ के बारे में उसने किया है और उसके एज फैक्टर्स शामिल हैं, तो इस वह बंदा डब्ल्यूएलआई के एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकता है। उसी तरह से अगर देखें तो कमर्शियल डिपार्टमेंट में जैसे टीटी के सिलेक्शंस में आप देखें तो उसमें डिफाइन किया हुआ है कि जो ग्रुप डी स्टाफ हैं उनकी फीडर कैटेगरी के वो 16.5% 16.67 और या 16.23% जो कोटा है वो डिफाइन किया हुआ है। अर्थात अगर किसी टीटी का सेंक्शन स्ट्रेंथ किसी डिवीजन में 100 है तो उस 100 में से 16.67 ऑलमोस्ट 17 सीट्स जो है वो चली जाती हैं एलडीसी कोटे में। अर्थात ग्रुप डी एम्प्लॉय जो कमर्शियल डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ है वैसे 17 लोग एलडीसी से प्रमोट होके इसमें जा सकते हैं। उसी तरह से कमर्शियल क्लर्क की जो वैकेंसी है जो 2000 जीपी का है इसमें भी ग्रुप डी स्टाफ जा सकते हैं एलडीसी के माध्यम से। इसी तरह से कमर्शियल इंस्पेक्टर्स का जो 4200 का ग्रेड है उसमें 10% सीट रिजर्व है। तो ये आपको बताने के लिए है कि हमारे जो डिपार्टमेंट है उसमें जितने भी कैडर्स हैं, सपोज 100 का अगर उसमें सेंक्शन स्ट्रेंथ है तो 100 में से कोटा डिफाइंड है कि डायरेक्ट कोटा मतलब जो आरआरबी या आरआरसी से आता है वो कितना होगा, जो प्रमोटी कोटा यानी सीनियरिटी से जो लोग आते हैं जिनकी लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से जो लोग आते हैं उनका परसेंटेज क्या होगा, और जो एलडीसी से आते हैं उनका परसेंटेज क्या होगा। फिर आप बोलेंगे जीडीसी में कहां से आते हैं, तो जीडीसी में जो शॉर्टफॉल होता है एलडीसी का और डायरेक्ट कोटे का वो
वैकेंसी कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, तो जीडीसी के लिए ट्रांसफर हो जाती है और उसका एग्जामिनेशन सेपरेट होता है, जिसके बारे में मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो इसका आप ध्यान रखें। तो आप लोगों को मैंने बताया कि कैसे एलडीसी से क्या क्या फायदे हैं, तो अब मैं बताऊंगा कि एलडीसी आखिर आप जब ग्रुप डी में भर्ती होते हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस कहाँ कहाँ होते हैं। एक तो ऐसा होता है कि जब आप सपोज ग्रुप डी में 1800 ग्रेड पे में भर्ती हुए किसी भी डिपार्टमेंट में अक्रॉस एनी डिपार्टमेंट, तो आप उसके बाद जिस डिपार्टमेंट में गए उसकी एबीसी डिफाइंड होती है, एवेन्यू ऑफ चैनल ऑफ प्रमोशंस, उसमें 1800 हो सकता है या 2000 हो सकता है, 1900 हो सकता है या 2000 हो सकता है, 2400 हो सकता है, 2800 हो सकता है, 4200 हो सकता है और 4600 हो सकता है। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, 2800, 4200, 4600 सभी में कॉमन होते हैं, 4200 और 4600 सभी में कॉमन होते हैं, 2800 सभी में कॉमन नहीं होता है। तो आपको देखना होगा कि सपोज अगर आप ट्रैकमैन के रूप में गए हैं तो आपकी ग्रेड पे 1800 होगी, उसके बाद 1900 होगी, फिर 2400 होगी, फिर 2800 होगी, और उसके बाद अगर आप पीवे बन पाते हैं जेई पीवे तो आपका 4200 हो पाएगा। अदरवाइज आपकी कैरियर यहां से लेके यहां तक में लगभग खत्म हो जाती है अगर आप नॉर्मल प्रमोशन सीनेटी से प्रमोशन पे जाएंगे तो। उसके बाद अगर आपका सीनेटी से प्रमोशन नहीं हुआ तो आपको एमएसीपी, जिसको बोलते हैं मॉडिफाइड एश्योर कैरियर प्रमोशन, जिसके तहत फाइनेंशियल अपग्रेडेशन 4200 में दे दिया जाएगा अगर आपकी 30 साल की सर्विस हुई है और आपके प्रमोशन नहीं हुए हैं तो, बट उसकी संभावना बहुत कम बचती है। तो तरीका क्या है जब हमें प्रमोशंस का और हमारे फ्यूचर के पर्सपेक्टिव का, तो उसके लिए तरीका यह है कि अगर आप सीनेटी पे जाएंगे, अगर नौकरी में चुपचाप आपने एक बार आ लिया, आपको कोई क्वालिफिकेशन गेन नहीं किया, आपने कोई परीक्षा नहीं दी, तो आप धीरे धीरे प्रमोट होंगे, जिसको हम प्रमोटिव कोटा बोलते हैं। अगर आप थोड़े से मेहनती हैं तो एलडीसी के तहत आप जंप करेंगे, और अगर आप बहुत मेहनती हैं, बहुत ही मेरिटोरियस हैं, तो आप सीधा जंप जीडीसी में लगा सकते हैं। सपोज आप 1800 जीपी में आज भर्ती हुए, 1800 में ग्रुप डी में आज भर्ती हुए आप, और आपने जीडीसी एग्जामिनेशन दिया जेई के लिए, 4200 के लिए, स्टेशन मास्टर के लिए, तो भर्ती के एक महीने बाद ही आपने अप्लाई किया और एक साल के अंदर आप जीडीसी में सीधा 4200 ग्रेड पे में पहुंच सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपकी जरूरत है कि आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होनी चाहिए, मेडिकली आप फिट होने चाहिए स्टेशन मास्टर के लिए जो A2 कैटेगरी है उसमें, और आप एग्जामिनेशन जो कि जीडीसी एग्जामिनेशन जोनल लेवल पे होती है उसको क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हो, तो कंपटीशन काफी टफ होता है, तो आपके प्रमोशन उसमें काफी ज्यादा होंगे। इसका मतलब यह है कि जीडीसी जो है वो क्वांटम जंप है, एलडीसी जो है वो छोटा जंप है, और प्रमोटिव कोटा जो है वो सीधा सीधा रास्ते से चलता हुआ रास्ता है, जो आपको नॉर्मल एक बार नौकरी में आ गए तो आपके पार लग जाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक जो फंडामेंटल्स है वो है। बहुत सारे लोगों ने ये पूछा था कि सर डिफरेंस क्या है एलडीसी और जीडीसी में, तो प्रमोटिव कोटा तो मैंने आपको बता दिया कि नॉर्मल प्रमोशंस होते हैं जो आपके सीनियरिटी और लेंथ ऑफ सर्विस के हिसाब से होंगे, उसमें आपको कुछ करना नहीं होता है, जो आपके बेसिक नॉर्मल सर्विस होती है उसके हिसाब से आप प्रमोटिव कोटा हो जाते हैं। कुछ जगहों पे एग्जाम है, कुछ जगहों पे सीनियरिटी कम सूटेबिलिटी है, उसके हिसाब से आपका प्रमोशंस हो जाता है। लेकिन अगर जंप मारना है आपको तो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, आई थिंक बिना मेहनत के तो कोई जंप होता नहीं है। तो इन दोनों में एलडीसी और जीडीसी में अंतर क्या है? एलडीसी जो है वो लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ऐसा कि नाम से ही, और जी मतलब जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटेटिव। दोनों क्या है? दोनों हायर ग्रेड से लोअर ग्रेड, मतलब अगर आप लोअर ग्रेड में हैं तो हायर ग्रेड जाने का एक तरीका है। 1800 जीपी में तो 1800 से आप 1900 में, 2000 में, 2400 में, 4200, 4600 में, जहां भी जाना चाहते हो वहां इन दोनों एग्जाम के माध्यम से आप जा सकते हैं। इसका नाम लिमिटेड क्यों है? लिमिटेड इसलिए है कि इसमें जो लोग अप्लाई कर सकते हैं वो लिमिटेड होते हैं। सपोज स्टेशन मास्टर का मैंने आपको उदाहरण दिया था, तो उसमें लिमिटेड लोग ही अप्लाई कर सकते हैं कॉमर्शियल और ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के। वैसे ही क्लर्क वाला जो एग्जाम है उसमें लिमिटेड जो 2-3 डिपार्टमेंट के ग्रुप डी स्टाफ है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो हर जोन का अलग अलग डिफाइंड होता है, वो उसके हिसाब से वो उसमें अप्लाई कर पाते हैं कर्मचारी, इसलिए इसको लिमिटेड कहा जाता है और डिपार्टमेंट तक सीमित होता है। वेयरएज अगर आप इसमें जाएंगे जीडीसी में, तो जीडीसी ओपन टू ऑल होता है। एक सिंगल कर्मचारी जो जिसकी नौकरी एक महीने भी हुई हो और रेगुलर एम्प्लॉय के रूप में हो गया हो, उसको हम जीडीसी में अप्लाई करने का हक मिल जाता है, और वो सीधा आपको जैसे मैंने बताया था कि 1800 से 4200 में पहुंच सकता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, मेडिकल फिटनेस हो और एग्जाम को क्वालिफाई करता हो। वैसे इसमें मेरिट है, इन दोनों में क्या है, जो सीनेटी वाला है उसमें सीनेटी सबसे इंपॉर्टेंट है, लेंथ ऑफ सर्विस इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो मेरिट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है। खासकर सेफ्टी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे, जहां भी स्टेशन मास्टर है या कोई भी सेफ्टी कैटेगरी है, उसमें 60% नंबर लाना अनिवार्य है। अगर 100 नंबर का उसमें डिटेल है तो 60 नंबर आपको जब तक रिटेल में नहीं आएंगे तब तक आप क्वालिफाई ही नहीं करेंगे, बाकी मेरिट की बात तो आप छोड़ दीजिए।
उसके अलावा फिर आपके जो APRs हैं, मतलब आपके जो ACRs जिसको बोलते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जिसमें आपके साल हर साल लिखी जाती है आउटस्टैंडिंग है, तो उसके आधार पे मार्क्स होते हैं। अगर आपने GM अवार्ड लिया है, DRM अवार्ड लिया है, तो उसके भी नंबर्स हैं, और आपने स्पेशल क्वालिफिकेशंस लिए हैं तो उसके हिसाब से भी एक या दो नंबर दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको पनिशमेंट मिला है, SF5 मिला है, तो आपके नंबर दो नंबर घटाए भी जाएंगे, और अगर आपको SF11 मिला है तो उसके हिसाब से नंबर्स घटाए भी जाते हैं। तो इससे इसमें डिपार्टमेंटल में ये चीजें देखी जाती है, जबकि इसमें वैसा नहीं है। एग्जामिनेशन में दोनों जगह पैटर्न ऑब्जेक्टिव का है, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, और सिलेबस जैसा भी नोटिफिकेशंस में होता है, इसमें डिपार्टमेंटल में वो उसके हिसाब से इसमें नोटिफिकेशंस लिखा रहता है कि कितने पोस्ट के लिए नोटिफाई हुआ है, उसमें रिजर्वेशन कितने कितने हैं, SC के, ST के और जनरल सीट्स कितने हैं, एज कितना है, मेडिकल फिटनेस क्या होनी चाहिए, लेंथ ऑफ सर्विस कितनी होनी चाहिए, और किस लेवल के लोग, आजकल ग्रेड पे की जगह लेवल आ गया है। तो सपोज ASM स्टेशन मास्टर के अगर अप्लाई करते हैं तो लेवल 1 मतलब 1800 GP से लेके और लेवल 4-5 तक, मतलब आपका 6 है, लेवल 6 है 4200 GP, तो लेवल 5 तक के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते कि लेवल 2 से लेकर और लेवल 5 तक, मतलब 1900 GP से लेकर और जो आपके 2800 GP तक का लोग है उसकी उसमें 2 साल सर्विस होना अनिवार्य है, जैसे स्टेशन मास्टर के लिए। वैसे ही हर में जैसे OS के सिलेक्शन में कुछ स्पेशल नोटिफिकेशंस दिया हुआ है कि इतनी लेंथ ऑफ सर्विस होनी चाहिए, आपकी जो टाइपिंग स्पीड है इतनी होनी चाहिए, तो ये चीजें नोटिफिकेशन में डिफाइन की हुई होती है, इसलिए इसको लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस बोलते हैं। इसका जो क्वेश्चंस होता है वो क्वेश्चंस प्रैक्टिकल बेस होता है। सपोज अगर आपको कमर्शियल क्लर्क के लिए सिलेक्शंस हो रहा है तो उसमें कमर्शियल क्लर्क के जो कार्य होने वाले हैं, जो आप फ्यूचर में करेंगे, उससे संबंधित क्वेश्चन पे फोकस होना है और होता भी है, खासकर रेलवे के बारे में क्वेश्चन केंद्रित रहता है। लेकिन अगर इसके बारे में जाएंगे, GDC में जाएंगे, तो क्वेश्चन जो RRB एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है लगभग वही लेवल यहाँ पे आपको GDC में मिलेगा, और GDC के सिलेबस भी RRB के जो सिलेबस है उसके हिसाब से डिफाइंड होता है। ऑल्दो एज में यहाँ भी और यहाँ भी दोनों ही जगह नोटिफिकेशंस में इसमें जनरली 40-42 दिया गया है, इसमें उस प्रत्येक का जो नोटिफिकेशन है वो डिफरेंट होता है, उसके हिसाब से आपको नोटिफिकेशन के हिसाब से एज उसमें होगा। ये कहाँ पे होता है, तो खासकर जब देख ही रहे हैं कि LDC जो है लिमिटेड है, तो डिवीजन तक ही होगा, एक डिवीजन के अंदर ही होगा, और 2-3 डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट में उसके जो फीडिंग कैडर है उसमें ही होगा। वेयरएज इसमें क्या होता है, जोनल लेवल पे होता है और इसमें पूरी जोन होती है। सपोज अगर कोई LDC का नॉर्मल एग्जाम होता है तो उसमें 200, 300, 400, 500 मैक्सिमम 1000 लोग शामिल होते हैं दिल्ली जैसे बड़े डिवीजन में। वेयरएज अगर GDC एग्जाम देखेंगे तो इसमें 20,000, 25,000 लोग शामिल होते हैं, अगर कोई भी 50 या 100 पोस्ट नोटिफाई हुआ है तो। उसी तरह से अगर आप देखेंगे कि जहां भी दोनों में ही स्पेशल टेस्ट, जैसे कि अगर आप क्लर्क के पोस्ट के लिए जा रहे हैं तो टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए, स्टेनो के टेस्ट के लिए जा रहे हैं तो शॉर्ट हैंडराइटिंग आपको आनी चाहिए, अगर आप स्टेशन मास्टर के लिए जा रहे हैं तो उसमें साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है, ALP के लिए जा रहे हैं तो उसमें भी साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है जिसको एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, उसके नंबर्स भी होते हैं 20 नंबर्स या 25 नंबर डिपेंडिंग अपॉन द नोटिफिकेशंस, तो वो चीजें इसमें लागू होती है। तो बेसिकली ये डिफरेंस था GDC और LDC में और प्रमोटी कोटे में। आप सभी लोग जो लोग रेलवे में आए हैं, वो लोग को रेलवे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देती है करियर प्रोवेशंस का, करियर प्रोग्रेशन का, और इसके माध्यम से आप अपने करियर में काफी ऊंचाई तक जा सकते हैं, और आगे इसमें अगर आप सपोज 4200 में पहुंच गए तो 4200 से 5 साल नौकरी के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं LDC जो हमारा डिपार्टमेंटल होता है, ग्रुप बी ऑफिसर के लिए भी आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो इतनी अपॉर्चुनिटी और कहीं नहीं मिलती है जितनी इसमें फास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है। 4200 GP में जो 5 साल तक लोग कार्य करते हैं वो ग्रुप बी ऑफिसर्स भी बनते हैं और आगे वो बहुत आगे प्रमोशन भी पाते हैं। अगला जो वीडियो कभी रहेगा वो मैं बनाऊंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप रेलवे में ग्रुप डी से भी आके और अधिकारी तक बन सकते हैं। धन्यवाद। अगर कोई आपको क्वेरी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं।